हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अब हम कोलकाता दर्शन के लिए निकलने वाले हैं। हमने नाश्ता कर लिया है मम्मी के साथ, और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, इधर की गलियाँ सेम ऐसे अपने भोपाल जैसी दिखती है, देखो। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट स्पॉट था दक्षिणेश्वर टेम्पल, काली जी माता का टेम्पल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आए, मोबाइल सबमिट करना पड़ता है इसलिए अंदर की वीडियो तो नहीं आ पाई। ये इधर से एंट्रेंस है और फिर मेन एंट्रेंस टेम्पल का, यहाँ से लाइन लगती है। आज तो हम सुबह जल्दी आ गए इससे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो दोस्तों, ये दक्षिणेश्वर काली टेंपल का बैक साइड, यहाँ से हावड़ा ब्रिज भी दिखता है और उसके नीचे से बहने वाली हुगली नदी भी। और ये जो छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं, इसमें शिव जी की पिंड है, 12 है, बट ये शायद 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, क्योंकि इनका नाम एक्चुअल ज्योतिर्लिंग से अलग। हमारे काली मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। मम्मी, काली जी का इतना बड़ा मंदिर पहले कभी देखा था क्या? नहीं, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। कैसा था मंदिर है? अच्छा। दर्शन करने इसके बाद हावड़ा ब्रिज से होते हुए हम गए अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए। तो दोस्तों, हम आ गए बेलूर मठ, जिसको रामकृष्ण मिशन नाम से भी जाना जाता है, या रामकृष्ण मठ। एक्चुअली में ये एक संस्था टाइप का कुछ था है जो रामकृष्ण परमहंस ने शुरू किया था। तो इसके अंदर उनका मंदिर भी है, लेकिन मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये है उनका मंदिर, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको एक। ये है उनका मेन टेम्पल और इधर इनकी पूरी संस्था है। ये ऐसे छोटे मोटे जगह पे बने हुए हैं उन लोगों के। विवेकानंद का भी एक छोटा सा टेंपल बना है इधर, सेम ये पीछे ऐसा दिख रहा है, वैसे और भी बहुत सारे बने हुए हैं। बहुत बड़ी सी संस्था इनकी। इसके बाद हम गए कालीघाट टेंपल, बट वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो उसकी वीडियोज नहीं है। फिर हमने किया लंच, उसके बाद हम निकल गए नेक्स्ट स्पॉट। और हम आ गए बिरला प्लेनेटेरियम प्लस सेंट पॉल चर्च प्लस विक्टोरिया मेमोरियल। ये विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम में अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए बंद है। वैसे मंडे इसको वैसे भी बंद रहता है, बट अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वैसे भी बंद नहीं है। तो अभी गार्डन में एंट्री अलाउड है, ₹20 पर पर्सन टिकट है। मम्मी, उस दिन कोलकाता में कोई तो VIP या शायद नेता आया था, इसलिए वहाँ पे बहुत भीड़ भी थी, बहुत ट्रैफिक था और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स विक्टोरिया मेमोरियल के ऊपर से उठ के जा रहे थे। तो दोस्तों, इसके बाद हम आए इसलिए बिरला प्लेनेटेरियम में। बिरला प्लेनेटेरियम एक साइंस म्यूजियम टाइप का है, जैसे आपने अगर बेंगलोर का नेहरू प्लेनेटेरियम देखा होगा। अभी अंदर जाके पता चलेगा क्या है, हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम देखते हैं अंदर जाना है नहीं जाना है। ये है सेंट पॉल्स चर्च, विक्टोरिया मेमोरियल घूम लिया हमने, और बिरला प्लेनेटेरियम के अंदर तो हम नहीं गए क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था और इतना कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है। हम जा चुके हैं नेहरू प्लेनेटेरियम में इसलिए। और ये सेंट पॉल्स चर्च, तो इसी के साथ हमारा वन डे लोकल साइट सीइंग कोलकाता का ख़त्म हो गया। और फिर हमने कुछ स्वीट्स ली और हम वापस अपने होटल रूम की ओर चले गए। तो दोस्तों, ये व्लॉग हमारी स्वीट्स के साथ ही एंड होता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।